के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक 4 साल का बच्चा अचानक लापता हो जाता है। उसके परिजन जब बाहर आकर देखते हैं तो उसको आसपास तलाशते हैं, नहीं मिलने के बाद पूरे मामले में अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत कर दी जाती है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी मौजूद है, बात करते हैं सर पूरा घटनाक्रम क्या है और किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। बेसिकली एक वहाँ पे उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा था रिश्तेदारी में, और धार से परिवार आया हुआ था। सभी लोग खाना वाना खा रहे थे, बच्चे सभी लोग खेल रहे थे। बच्चे ने नाना के साथ में खाना भी खाया है लगभग 2-2.5 बजे के लगभग। फिर कपड़े भी गीले किए हैं तो उनकी मदर के द्वारा कपड़े चेंज किए गए हैं। फिर वह बच्चा वहीं पर खेलने लगा है लगभग 2.5 बजे के बाद। फिर यही फिराक हुई कि बच्चा गया कहाँ, गया कहाँ, गया कहाँ। तो वहाँ देखा गया है, घटना जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ पे देखा गया है कि खुली जगह है, पीछे की तरफ एक नाला बह रहा है और उसमें काफी तेज बहाव भी है और आसपास भी खुली जगह पे है। तो हमारी सारी सर्चिंग टीम लगी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक रेलवे स्टेशन ही पड़ता है। आसपास बहुत सारे दुकानें भी लगी हुई हैं। दुकानें ऐसी हैं कि लगभग बाहर से दुकानें आई हुई हैं और गुब्बारे बेचने और ये तीर कमान बेचने, जो बच्चों खिलौने वगैरह है, वहाँ पर भी हमारी सर्चिंग टीम लगी हुई कि बच्चा चलते चलते उस जगह पर तो नहीं पहुँच गया है। सारे एंगल पे हमारी जांच जारी है और हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चा सुरक्षित तरीके से मिले। सर कुछ आशंका जताई परिजनों ने किसी तरह की? नहीं, परिजनों के द्वारा बिल्कुल आशंका नहीं जताई गई है। और परिजन धार में एक अच्छी कॉलोनी में रहते हैं और उन सभी एंगलों पर उनसे पूछताछ की गई है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे चूंकि काफी लोग आमंत्रित थे, खाना वाना खा करके निकले हैं, कहीं पीछा करते करते बच्चा कहीं पर निकल गया है। और ये भी आशंका जाहिर है कि बहुत ही अबोध बालक है, तो ऐसा तो नहीं कि जो नाला है उस नाले में किसी कारण से पहुंच गया हो। तो उन सारे एंगलों पे हमारी जांच जारी है। एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है जो सर्चिंग कर रही है और हमारी सर्चिंग टीम लगी हुई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पे दिखवाया जा रहा है। ये थे हमारे साथ एडिशनल डीसीपी, जिनका कहना था कि जो बच्चा गायब हुआ है उसकी तलाश में विभिन्न टीमें लगी हुई है और जल्द ही बच्चे को तलाश लिया जाएगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।